समग्र जो ये मसला है वो कोरोना वायरस नामक ऐप का है, जो कोरोना वायरस ट्रैकर नाम से अभी मार्केट में घूम रही है। ये जो कोरोना वायरस ट्रैकर नामक ऐप है, ये लिंक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच बना रही है। जैसे कि 10-15 दिन पहले गूगल ने और ये एप्पल ने इन सारी कोरोना ट्रैकर ऐप को डिलीट कर दिया था, बावजूद ये जो साइबर क्रिमिनल्स है, ये जो कोरोना वायरस ट्रैकर ऐप अभी लिंक सोशल मीडिया माध्यम से लिंक को प्रसारित कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। अभी जब मैंने इस लिंक की पड़ताल की, तब मैंने इसे देखा कि ये एक एनी डेस्क नामक जो ऐप है उसका क्लोन वर्जन ही दिखाई दिया, कि जब ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो रही है उसी टाइम वो आपके मोबाइल से बहुत सारी परमिशन मांग रही है। इन परमिशंस में एक परमिशंस ये भी है जिसमें आपके मोबाइल के मैसेज को पढ़ने की अनुमति दी जाए। तो आपके मोबाइल के मैसेज को जब पढ़ने की अनुमति दी जाती है, तब ये ऐप आपके मोबाइल के सारे मैसेज जो आ रहे हैं वो सब पढ़ सकती है, और जो पहले से मैसेज उपलब्ध है वो भी पढ़ सकती है। तो जब मैंने ये लिंक जो आई थी उसको पूरा पेनिट्रेट किया, तब मुझे पता चला कि ये ऐप वास्तव में जो दावा कर रही है उसमें पहला दावा ये हो रहा है कि ये ऐप अगर कोई कोरोना पेशेंट आपके नज़दीक में है तो आपका फ़ोन 3 से 5 टाइम वाइब्रेट होगा। नंबर 2 कि अगर क्वारंटाइन पेशेंट आपके नज़दीक में है तो भी ये दिखाएगा, और जो कोरोना की जो तादाद बढ़ रही है तो कितने पेशेंट बढ़ रहे हैं, कहाँ पे कितना स्टेटिस्टिकल देता है, ये सब ये ऐप प्रोवाइड करने का दावा कर रही है। और साथ में जो N95 मास्क जिसकी बाज़ार में शॉर्टेज है, तो आपके नज़दीक में कोई दुकानदार जो है वो अगर ये मास्क बेच रहा है तो उसका भी पता आपको ये ऐप बताने का दावा कर रही है। सही मायने में ये ऐप इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं VNM TV माध्यम से आप लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि ये ऐप आप डाउनलोड मत कीजिए। जिस तरह से आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो एक OTP आता है, और OTP जो एक दफ़ा आपके मोबाइल से ऑटोमेटिकली रीड किया जाता है और ऐप को रिस्टोर आपके मोबाइल में किया जाता है। बाद में ये ऐप CC सर्वर का काम करता है। इसके मुताबिक आपका मोबाइल कोई भी जगह से कोई भी साइबर क्रिमिनल बंदा आपके मोबाइल में ताकझाँक कर सकता है, आपका मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर सकता है, आपका डेटा थेफ्ट हो सकता है, और शायद वो आपके बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है, ई वॉलेट भी खाली कर सकता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसी ऐप इंस्टॉल करने से बचिए। अगर आपने इंस्टॉल किया है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। और दूसरा कि ये ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके मोबाइल में सिम्टम्स, जैसे आपका मोबाइल का बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाता है, बाद में डेटा कनेक्शन जल्दी से ख़त्म हो जाता है, कोई भी शुरुआत करने वाली ऐप शुरू होते ही वो बंद हो जाती है, तो ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। तो मैं VNM TV माध्यम से आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि WHO.INT, मैं वापस ये दोहराना चाहता हूँ, WHO.INT नामक जो वेबसाइट है वो ही ऑफिशियल डेस्क है, और वहाँ से ही आपको कोरोना के संदर्भित पूरी जानकारी मिल सकती है। तो इन सारी ऐप को इंस्टॉल करने से बचे, और साइबर क्रिमिनल्स के जो मंसूबे हैं उसके ऊपर आप हावी हो जाओ, यही मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ।